गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग भिन्नों की तुलना सीखेंगे। ठीक है, क्या सीखेंगे? भिन्नों की तुलना। यहाँ पे दो सवाल हमने लिया है, ठीक है। उसके पहले एक चीज आप लोग ये समझ लीजिए, ये 2/5 भिन्न लिखा है, ठीक है। ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर, ठीक है। भिन्न में जो ऊपर रहता है उसे अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। यहाँ देखिए पहला सवाल है, इस सवाल में देखिए जो हर है वो हमारा एक जैसा है ना। यस सर। अब इसको हम लोग को आरोही क्रम में लिखना है और अवरोही क्रम में, ठीक है। यस सर। आरोही और अवरोही। तो पहले हम लोग आरोही क्रम लिखेंगे। जब हर एक समान रहता है तो अंश में जो छोटा है वो छोटा रहेगा, जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, ठीक है। आरोही मतलब छोटे से बड़े। इसमें छोटा नंबर अंश में कौन है? एक। एक बटा पांच। फिर क्या आएगा? दो बटे पांच। दो बटे पांच। फिर क्या आएगा? तीन बटे पांच। फिर चार बटे पांच। आरोही मतलब छोटे से बड़े। अब आया अवरोही। अवरोही में क्या होगा? बड़े से छोटे। तो चार बटा तीन बटे पांच, दो बटे पांच, एक बटे पांच। ये जब हर एक जैसा था, हर एक जैसा है ना नीचे। यस सर। जो छोटा है वो छोटे से बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा है वो बड़े से छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन आया। इस दूसरे क्वेश्चन में देखो अंश एक जैसा है। क्या है एक जैसा? अब यहाँ पे हम लोग को आरोही और अवरोही लिखना है। इसमें क्या होता है बच्चा लोग, जो छोटा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा और जो बड़ा रहेगा हर में वो छोटा हो जाएगा। कब? जब अंश एक जैसा रहेगा तो जो हर में छोटा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा और जो बड़ा रहेगा वो छोटा हो जाएगा। आरोही में पहले बताओ क्या आएगा? आरोही मतलब छोटे से बड़ा। तो इसमें जो बड़ा है वो क्या हो जाएगा? छोटा। तीन बटे आठ, तीन बटे सात, तीन बटे सात, तीन बटे सात, तीन बटे पांच, छोटे से बड़ा, ठीक है। अब अवरोही में क्या होगा? बड़े से छोटा। तो अंश एक जैसा है तो जो बड़ा है वो छोटा होता है, जो छोटा है वो बड़ा। तीन बटे पांच, तीन बटे छह, तीन बटे सात, तीन बटे आठ। दोनों में अंतर समझे? यहाँ पे देखो हर एक जैसा था तो जो छोटा है वो छोटा रहेगा, जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा अंश में, ठीक है। और इस क्वेश्चन में अंश बड़ा है तो इसमें क्या होता है? जो हर में छोटा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा और जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। समझ में आया सबको? यस सर। वेरी गुड।